हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट तो इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर है। उसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, कंसेप्चुअल भी नहीं होता है। वो बेसिकली हमारा एक कुछ कुछ जो एडवांस टाइप के टॉपिक्स होते हैं उनका इंट्रोडक्टरी नॉलेज चेक करना चाहता है एग्जामिनर उन टॉपिक्स के थ्रू। तो ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है और ये टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली तीन टाइप के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पहला ड्रग्स के बारे में डिस्कशन होगा, और दूसरा जो है केमिस्ट्री इन फूड्स उसके बारे में डिस्कशन होगा, और तीसरा जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में इसका डिस्कशन हो रहा है। पास्ट ईयर के पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इन चैप्टर्स पर बेस्ड आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के भी होते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक से दो क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर तो करना ही है, वी डोंट नो कि कितने क्वेश्चन आएंगे क्या आएंगे, बट जो पास्ट ट्रेंड है वो यही कहता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन टाइप का है, तो थोड़ा मैंने इसको जो है स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू रिवाइज कराने की एक एक्टिविटी डेवलप की है। तो ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी पार्ट्स में होगा। पहले हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फूड्स के अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बीच बीच में कुछ जो है मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा इसके अंदर। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे मेरे पास, बट कुछ क्वेश्चंस जो है दिमाग में रिसेंटली जो पेपर्स आए उनमें, या कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं तो उनको भी मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बताऊंगा। तो आप अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि इस टॉपिक को हमें कैसे रिवाइज करना है। किसी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को अगर हमें लर्न करना है तो क्या हमें ध्यान रखना है, क्या एम्फेसिस बेसिकली देना है उसके स्ट्रक्चर्स फीचर्स पे, और क्या हमें देखना है, स्टडी करना है, कौन से पार्ट्स को देखना है, कैसे करना है, दैट्स ऑल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स के बारे में। सो इट्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसके अंदर और ये एक्टिविटी बेसिकली जो हमारा आपका अप्रैल 2019 में जो NTA JEE मेंस एग्जाम हो रहा है, मेनली इसी के लिए, सो दैट आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सो ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ड्रग्स को कई कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ड्रग्स क्या होता है हमें पता होना चाहिए, और उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ड्रग्स बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेज है जिनका मॉलिकुलर मास जो है वो 100 to 500 यूनिफाइड मास के बराबर होता है। मतलब जो मॉलिकुलर मास, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जिनका मॉलिकुलर मास 100 to 500 के बीच में अगर होगा तो उसको हम एक ड्रग की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ड्रग्स को कई बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इनका एक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, इनका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उस पर बेस्ड। सो ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। ये मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मतलब हमारा हमें पेन रिलीवर यूज़ कर रहे हैं हम, या एंटी कोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन मेनली जो है वो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट एंड एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही एंटीपायरेटिक होता है, एंटी यूरेटिक होता है, एंटी कोगुलेटिंग होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, वगैरह वगैरह कई सारी कैटेगरीज है। तो ये अगेन जब हम डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो एक कंप्लीट लिस्ट आपके सामने आएगी जिसमें ये फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बेसिस पर ड्रग्स को हम क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। किसी ड्रग का जो है वो एक्शन किस टाइप का है, तो उसके बेसिस पे हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्शन का मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है, उसके बेसिस पे जो हमारे पास में ये क्लासिफिकेशन है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एंटी हिस्टामीन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामिन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो एंटी हिस्टामीन इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामीन्स। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कुछ का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हम उनको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक जो सल्फा ड्रग्स हैं, तो सारे सल्फा ड्रग्स के अंदर एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, सल्फेनामाइड्स टाइप के होते हैं, और इस कॉमन फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनका जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन होगा
फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी. सो दिस ड्रग्स ऑल्सो हैव सिमिलर फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी. सो सल्फेनामाइड्स, सल्फा ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स, हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स एज शोन बिलो. तो यू कैन सी इस टाइप का स्ट्रक्चरल फीचर हो सकता है. तो ये जैसे आप सपोज कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री को भी यूज कर सकता है. कोई जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की एक एक्टिविटी है उस पर भी इस क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें जस्ट लिख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव्स पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट. तो सल्फा ड्रग्स हो सकता है, किसी ऑप्शन में लिखा हो सकता है, क्योंकि सल्फा ड्रग्स को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बेंजीन रिंग से एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है. तो ये कार्बिलामिन रिएक्टिविटी, कार्बिलामिन टेस्ट शो कर सकता है. या फिर ये हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट. तो जो एरोमेटिक अमीन्स हैं उनमें पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट होता है, तो सल्फा ड्रग्स भी उस कैटेगरी में आ सकता है. तो ये हमारे पास में जस्ट इस टाइप से हमें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स. जो मॉलिकुलर टारगेट्स है ड्रग्स जिस मॉलिक्यूल्स पे जाकर के अटैक करेगा, जो हमारा एक सबस्ट्रेट है वो किस टाइप का है. तो ये कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, ये लिपिड्स हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, कई सारी कैटेगरीज हो सकती हैं. सो ड्रग्स यूजली इंटरेक्ट विद बायो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, और अकॉर्डिंगली कुछ जो है एक्शन हम ऑब्जर्व करेंगे. सो दीज बायो मॉलिक्यूल्स ऑन विच ड्रग्स विद ड्रग्स इंटरेक्ट आर कॉल्ड एज टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स. नाउ ड्रग्स पजेसिंग सेम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन दीज टारगेट्स. सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर टारगेट्स इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट. जो मेडिसिनल केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट बेसिकली वो टारगेट बेस्ड क्लासिफिकेशन को प्रेफर करते हैं. सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर टारगेट्स इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट. नाउ अब ये हम जो एक क्लासिफिकेशन हमने किया है टारगेट बेस्ड, तो उसमें थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय ड्रग टारगेट इंटरेक्शन. तो ड्रग एक कोई हमारा केमिकल सब्सटेंस है और टारगेट जो है वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है. तो इनके बीच में कुछ केमिकल एक्शन होगा, वो देखना है क्या किस टाइप का एक्शन होगा. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजन्स. फॉर एग्जांपल्स we can have enzymes as a macromolecule, we can have receptors as a macromolecule, carrier proteins as a macromolecules, nucleic acids as macromolecules, lipids and carbohydrates. So all these enzymes, receptors, lipids and carbohydrates are the biomolecules and they have a particular function in the body. So just quick revision, you know that enzymes are basically proteins which perform the role of biological catalyst. The biological catalyst, enzymes are the biological catalyst. So enzymes are the proteins which perform the role of biological catalyst. Receptors are basically crucial to communication system in the body. Signals communication ke liye ye hame jo receptors kaam karte hain. Carrier proteins jo hai basically carry polar molecules across the cell membrane. Nucleic acids have coded genetic information for the cell. Lipids are basically structural parts of the cell membrane. We can say carbohydrates and lipids are structural parts of the cell membrane. So ye jo hai is type ka ek hamare paas mein classification ho gaya drug target interaction ke basis pe. Now ab hum ye jo ek hamare paas mein drug target interaction jo hai usme hum thoda aur detail mein discuss kar lete hain ki enzyme as a drug target jo hoga wo kis type se hoga. To ab apne कोई अगर ड्रग यूज कर रहे हो तो उसका किसी एंजाइम के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन होगा, तो ये हम देख लेते हैं. तो ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग रिएजेंट होता है. तो यहाँ पे जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है वो एक एंजाइम है और ड्रग जो है वो एक अटैकिंग रिएजेंट है. तो वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल टाइप के इंटरेक्शन जो होते हैं, एसिड बेस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, उसी टाइप की कैटेगरीज में हमें कंसिडर करना है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड एंजाइम, it's important to know how enzymes catalyze a particular chemical reaction. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम जब भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम अगर करता है तो
दो मेन रोल उनका होता है उस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने के, दो मेजर फंक्शंस होते हैं. उसमें से पहला फंक्शन जो है एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. तो एंजाइम बेसिकली हमारे पास में एक टाइप का सरफेस प्रोवाइड करेगा, इस सबस्ट्रेट पर कोई मेन केमिकल सब्सटेंस आकर के एड्सॉर्ब होगा. ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एड्सॉर्ब भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एंजाइम जो है वो सरफेस कैटलिस्ट का काम करते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन. तो ये हमारे पास में जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया. अब ये जो एंजाइम है वो एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा सो दैट सबस्ट्रेट उसके साथ इंटरेक्ट करके कोई केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसमें कैसे क्या होता है एक्चुअल में. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. सो एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन थ्रू एक्टिव साइट्स. सो एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजिशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली. सो एंजाइम के अंदर मेनली इन शॉर्ट हम ये कहेंगे देर आर सुटेबल एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट्स का मतलब कोई भी एक रिएक्टिव साइट्स होगी, उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट एक इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एंजाइम लिया, उसमें कुछ कैविटीज बनी हुई है, उसका एक शेप है, तो वो एक एक्टिव साइट का काम कर रहा है. अब एक सबस्ट्रेट आएगा, वो सबस्ट्रेट एक अप्रोप्रिएट शेप का होगा और वो इस एंजाइम के अप्रोप्रिएट शेप में ट्रैप हो जाएगा, होल्ड कर लेगा एंजाइम उसको. तो ये जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है वो कुछ इस शेप का होगा. तो अब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन करेंगे, एक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा. नाउ सबस्ट्रेट हेल्ड इन एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम. तो उसको हम देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन कर चुके हैं और एक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया. अब जो है हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट्स और एंजाइम के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, सो सबस्ट्रेट्स बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंटरेक्शन. ये डिपेंड करेगा कि एंजाइम हमारा किस टाइप का है और सबस्ट्रेट किस टाइप का है, तो इनके बीच में किस टाइप के केमिकल इंटरेक्शन होने हैं. ठीक है, तो ये नॉर्मली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टाइप के भी हो सकते हैं. तो ये आयनिक बॉन्डिंग टाइप का हो सकता है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का हो सकता है. तो एंजाइम मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स के अंदर जो है अमीनो ग्रुप्स होता है, टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स, अमाइड ग्रुप होता है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है. वॉन्डरवॉल्स टाइप के इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं और ये डाइपोल डाइपोल के इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं. तो ये जो है चार टाइप के इंटरेक्शंस हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. नाउ अब ये जो हमारे पास में एक जस्ट इसको इलस्ट्रेशन तरीके से देख सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हमारे पास में एक सबस्ट्रेट है सुक्रोज का मॉलिक्यूल, ये किसी एंजाइम के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट सुक्रोज था उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और वो ब्रेक हो जाता है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. तो आपको पता है कि ये सुक्रोज को वाटर में जब हम डालते हैं तो ये इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. तो सुक्रोज का इन्वर्ट शुगर में जो कन्वर्जन है वो एक इन्वर्टेज एंजाइम कैटलाइज करेगा इसको. डायरेक्टली जो है हमारा सुक्रोज पानी में डालने से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये इन्वर्टेज एंजाइम जो है इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा और ये एंजाइम और सुक्रोज कॉन्टेक्ट में आएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वाटर इस पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बनेगा और साथ में एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा. तो ये जस्ट एक एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन हो गया हमारे पास में. नाउ अब ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन किस टाइप का होगा ये हमें देखना है. ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, तो हमने ये देखा था कि एक एंजाइम कैसे फंक्शन करता है. एंजाइम फंक्शन जब करता है तो एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करता है सो दैट सबस्ट्रेट गेट एड्सॉर्ब ओवर द सर्फेस ऑफ एंजाइम. और फिर यही एंजाइम जो होगा वो एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा सो दैट रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड बिटवीन सबस्ट्रेट्स पार्टिकल्स. तो यहाँ पे जो हमारे पास में सबस्ट्रेट पार्टिकल्स था पिछले एक्टिविटी में हमने देखा था, तो वो एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल और वाटर जो है वो सबस्ट्रेट्स थे हमारे पास में. डायरेक्ट उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, तो एंजाइम ने एक सरफेस प्रोवाइड किया, सुक्रोज का मॉलिक्यूल भी उस पर एड्सॉर्ब हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल फिर आकर के उस पर अटैक किया और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम रीजनरेट हो गया.
तो अब हमें ये देखना है कि अगर जैसे हमने सुक्रोज लिया था तो ये तो एक नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर होता रहता है। अगर हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या एक्शन होगा? तो ये ड्रग जो है अब हमारे पास में एक सबस्ट्रेट का काम करेगा और एंजाइम उसको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा। तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन हम देख लेते हैं। सो ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बीच में एक ड्रग मॉलिक्यूल आ गया, तो अब ये ड्रग मॉलिक्यूल एंजाइम की इन एक्टिविटीज को इनहिबिट कर सकता है, इन एक्टिविटीज को ब्लॉक कर सकता है। सो ड्रग इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। These can block the binding site of the enzyme, जिसको हमने active site कहा है, and prevent the binding of substrate. हो सकता है कि enzyme और substrate के बीच में drug molecule trap हो गया। अब enzyme और substrate के बीच में कोई interaction नहीं हो पा रहा है, बीच के अंदर बीच में जो है एक drug molecule enter कर चुका है। So ये जो एक binding होनी चाहिए enzyme और substrate के बीच में, वो binding नहीं हो पा रही है। और we can say ऐसा होने से जो enzyme की सॉरी कैटालिटिक एबिलिटी है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस टाइप की जो ड्रग्स हैं जो एंजाइम की कैटालिटिक एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, वी कॉल देम एज एंजाइम इनहिबिटर्स। नाउ ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। तो अब हमने ये देख लिया कि एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है एंजाइम की जो कैटालिटिक एबिलिटी है उसको इनहिबिट करेगा। तो कैसे इनहिबिट करेगा? इसमें दो तरीके हो सकते हैं इनहिबिट करने का। तो जैसे पहला तरीका बताया गया कि ड्रग्स कम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो ये जो हमारे पास में एंजाइम की एक्टिव साइट्स थी, इस पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके एड्सॉर्ब होना चाह रहा था, बीच में ड्रग मॉलिक्यूल आ गया। ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है कोई ऐसा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो जो सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप से मोर रिएक्टिव है, तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो प्रेफरेबली अटैक कर जाएगा एंजाइम के साइट पर, प्रेफरेबली एड्सॉर्ब हो जाएगा एंजाइम के सरफेस पे। तो यहाँ पे जैसे सपोज हमें कोई ये कहता है कि एक मेटल को हम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में लेकर के आ रहे हैं, एक मेटल को हम हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में लेकर के आ रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन होता है, लेकिन इतना ईजीली मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता है, बट मेटल ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली कंबाइन कर जाता है। तो मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन बहुत इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा, बट मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन इजीली एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि मेटल हाइड्रोजन इंटरेक्शन को हम ब्लॉक कर सकते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करके। तो इसी टाइप का है कि ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो एक तो हो गया हमारे पास में एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिटर करने के लिए, और जो जो एक प्रेफरेबली एक्टिव साइट्स के साथ ड्रग मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएगा उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये और सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, जो एक्चुअल एक्टिव साइट्स है वहां पर वो अटैक नहीं करेगा, कहीं और जाकर के अटैक कर सकता है। दीज बाइंड्स टू अ डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम विच इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। तो ये एक न्यू टेक्निकल टर्म आ गई, एलोस्टेरिक साइट। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए एक सबस्ट्रेट है और एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम एक कैटलिस्ट है वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो एंजाइम के अंदर एक यूनिट साइट होगी जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के ट्रैप होगा, वो उसकी नेचुरल साइट हो गई है, एक्टिव साइट हो गई है। अब ड्रग या तो इसी एक्टिव साइट पे प्रिफरेबली फिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वेट करता रहेगा, या फिर कुछ ड्रग्स जो होंगी वो ऐसी होगी उस जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैक करने वाला वहां अटैक नहीं करेगा, कहीं और जाकर के अटैक कर देगा, और वहां अटैक करने से जो एक्टिव साइट्स थी वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे। तो इस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा वो फिर अब वहां पे फिट नहीं हो पाएगा, वो बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की द व्हेन अ ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम देन वी कॉल सच टाइप ऑफ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम्स एज अ एलोस्टेरिक साइट। सो दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच ए वे that substrate cannot recognize it, और उनके बीच में जो एक interaction है वो possible नहीं हो पा रहा है। और कुछ cases में क्या होता है कि ये जो allosteric site पर drug और enzyme के बीच में जो interaction हुआ है, a bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond and cannot be broken easily, then what happened? Then enzyme is blocked permanently
and body then degrade such enzyme inhibitor complex and synthesize the new enzyme. So, ये एक basically drug enzyme interaction की theory है. इसी को just हम एक picture के through वापस से summarize कर लेते हैं. ठीक है? तो देखिए, एक आपके पास में enzyme होगा, उसके पास active sites होगी, उसके अंदर कोई substrate molecule आकर के bind हो सकता है, attach हो सकता है, adsorb हो सकता है. तो ये हमारे पास में एक normal binding हो गई between substrate and enzyme. अब अगर हम कोई drug use करते हैं, तो drug जो है compete करेगा substrate के साथ एंजाइम से बाइंड होने के लिए. तो यहां पे देखिए, ये भाई हमारा एंजाइम है और एक बीच में जो है ड्रग मॉलिक्यूल आ गया, जिसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अब सबस्ट्रेट जो है बेचारा वेट ही कर रहा है, उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है कंबाइन करने का. तो ये एक हो गया हमारे पास में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. और तीसरी कैटेगरी जिसमें मैंने कहा था कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट के साथ कंबाइन नहीं करेगा, किसी और साइट पे जाके अटैक कर जाएगा, एलोस्टेरिक साइट. तो ये आ गया हमारे पास में दूसरी साइड में अटैक कर दिया, उससे जो एक्टिव साइट से उसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो गए और ये जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे फर्दर कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा. तो ये ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन की एक जस्ट एक स्लाइड के अंदर हम कह सकते हैं हमारा क्विक रिविजन हो गया. ठीक है, अब इसी को वापस से एक बार और देख लिए. सो वी कैन से कि एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं बेसिकली कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो कंप्लीट दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कंपीट फॉर एक्टिव साइट्स. तो सल्फर ड्रग्स बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स टाइप के होते हैं. एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो डोंट बाइंड टू एक्टिव साइट्स, दे बाइंड टू सम डिफरेंट साइट्स, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट्स. तो यहाँ पे बेसिकली जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो मेटल्स होंगे, एंटीबायोटिक्स हैं, DDT है और अनदर मॉलिक्यूल इन द मेटाबॉलिक पाथवे. तो ये अगेन जो है हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन को स्टडी कर लिया. आई होप ये आपको याद हो गया होगा दिमाग में, बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मुझे याद हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या है. अब हम देख लेते हैं जो रिसेप्टर्स हैं एज ए ड्रग टारगेट्स. तो एक तो हमारे पास में एंजाइम ड्रग टारगेट्स हो गया और दूसरा जो ड्रग टारगेट्स है वो बेसिकली एक रिसेप्टर है. ये सारे बायोमोलिक्यूल्स ही हैं टारगेट्स जो हैं ड्रग टारगेट्स. सो रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस. Majority of these are embedded in cell membranes. Receptors proteins are embedded in the cell membrane in such a way that their small parts possessing active sites projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane. So basically just ek picture ke through isko hum dekhte hain, zyada easily hame samajh mein aayega. तो ये बिल्कुल जानी पहचानी पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक से ही है. तो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है उसके पार्ट को एनलार्ज करके दिखाया गया. तो उसके अंदर एक रिसेप्टर प्रोटीन है, उस रिसेप्टर प्रोटीन का एक आउटर रीजन जो है बेसिकली बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रहा है और एक इंटीरियर रीजन है सेल के अंदर जो है. सो इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से आप चेक कर सकते हो. तो मेनली हमें यहाँ पे देखना है कि रिसेप्टर एक प्रोटीन है, ये एक ड्रग टारगेट की तरह वर्क करेगा और उसके अंदर जो है बाइंडिंग साइट होगी, ये बाइंडिंग साइट किसी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगा. सो इन द बॉडी message between two neurons and that between neurons to muscles is communicated through certain chemicals. तो ये हमें body के अंदर दो neurons के बीच में message transfer करना है या neuron to muscle message को communicate करना है तो कुछ chemical substances हम use करते हैं और इन chemical substances को हम कहेंगे basically messenger, chemical messenger. So these chemicals known as chemical messengers and these messengers are received at the binding site of the receptor proteins. याद रहा होगा कि binding site जो होगा वो क्या होगा. So ये chemical messengers जो है receptors की binding site पर attach हो जाएंगे. To accommodate a messenger, shape of the receptor sites changes. So ये flexible structure होता है, कुछ molecule इनका structure कुछ ऐसा होगा कि they can exist in different conformeric forms. तो messenger का जैसा shape होगा उसके according वो एक conformeric structure में convert होगा और उसको रिसेप्टर साइट पे एक्सेप्ट कर लेगा. नाउ दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल. तो ये हमारे पास में एक कोई भी केमिकल मैसेंजर आया है वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी जो एक्टिव साइट है उसके साथ कंबाइन कर गया और मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो गया. सो केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग
इन दिस सेल, उस सेल में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा केमिकल मैसेंजर, सेल के बाहर ही रहेगा, लेकिन वो एक मैसेज जो है कम्युनिकेट कर देगा सेल के अंदर. सो केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल. तो अगेन इसको एक पिक्चर के थ्रू हम विजुलाइज कर लेते हैं. तो देखिए ये हमारे पास में एक सेल का सरफेस है, उस सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रोटीन है, उस रिसेप्टर प्रोटीन का जो आउटर पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो है उसके पास एक एक्टिव साइट्स है, उस एक्टिव साइट के अंदर कोई एक केमिकल मैसेंजर आकर के अटैच होना चाह रहा है. वो जो हमारे पास में कोई एक हार्मोन हो सकता है, वो कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, और वो कोई एक ड्रग भी हो सकता है. और ऐसा होने से जो है कुछ बायोकेमिकल रेस्पॉन्स इंट्रासेलुलर पार्ट के अंदर डेवलप होगा. तो ये एक मैसेज का कम्युनिकेशन हो गया है. सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स टू कम्युनिकेट डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस. सो दीज रिसेप्टर्स शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट्स हैव डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर एंड अमीनो एसिड कंपोजिशंस. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो रिसेप्टर होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप के केमिकल मैसेंजर के साथ ही कंबाइन करेगा. तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टिविटी है, हम जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मतलब कीमो सेलेक्टिविटी भी होती है. कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप का रिएजेंट सबस्ट्रेट के एक पर्टिकुलर टाइप के एटम पर बॉन्ड पर ही अटैक करेगा. तो ये एक यहाँ पे जो है कहना चाह रहे हैं कि रिसेप्टर शोज सेलेक्टिविटी, वेरी हाई सेलेक्टिविटी. ये किसी भी टाइप की सेलेक्टिविटी हो सकती है, ये रीजियो सेलेक्टिविटी हो सकती है, ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो सकती है, ये जो है कोई कीमो सेलेक्टिविटी हो सकती है. सो ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट. तो कोई भी एक ड्रग मॉलिक्यूल है वो केमिकल मैसेंजर की तरह आया, ठीक है, और उसने रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है वहां पर वो कंबाइन कर गया, और उस रिसेप्टर का या जो भी एक केमिकल मैसेंजर आने वाला है उसकी पोजीशन पे ऑलरेडी कोई ड्रग मॉलिक्यूल आ गया, तो वो जो मैसेंजर केमिकल मैसेंजर जो एक मैसेज पास करने वाला था वो ब्लॉक हो गया, वो फर्दर मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो गई है. तो ये इस टाइप की जो एक प्रोसेस हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, सच टाइप ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट. तो जो एक रिसेप्टर साइट है उसका जो एक नेचुरल फंक्शन है वो इनहिबिट हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब इस टाइप की जो ड्रग्स है उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट. दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड. तो हमें कभी कभी जो है किसी पर्टिकुलर टाइप के मैसेज को ब्लॉक करना होता है, तो हम इस टाइप की जो एंटागोनिस्ट ड्रग है उनको हम प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स वगैरह. सपोज डॉक्टर वॉन्ट्स टू इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ ए मैसेंजर, दे कैन प्रेस्क्राइब अ मॉलिक्यूल दैट इज सिमिलर टू द मैसेंजर दैट विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर. दिस ब्लॉक्स द मैसेंजर बट डज नॉट स्टिमुलेट द सेल्स रेस्पॉन्स. जो मैसेंजर है केमिकल मैसेंजर वो ब्लॉक हो जाएगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर साइट पे कंबाइंड कर जाएगा, और इसके अंदर जो है कोई सेल रेस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा, मतलब बाहरी कुछ रिएक्शन हो गई, इंट्रासेलुलर चेंजेस कुछ नहीं हुए. तो ये इस टाइप से, इस टाइप की जो ड्रग्स को हम कहेंगे एंटागोनिस्ट ड्रग. एंटी हिस्टामिन्स जो होती है वो एंटागोनिस्ट ड्रग होती है. तो ये जस्ट एक क्विक रिविजन के लिए वापस से रिपीट हो गया हमारे पास में. नाउ सम कॉम्पिटिटर्स स्टिमुलेट दी सेल्स रेस्पॉन्स वेन दे बाइंड विद द रिसेप्टर. तो कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो रिसेप्टर साइट्स पे कंबाइन कर जाएंगी, उनके रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और साइमल्टेनियसली जो है वो सेल में भी कुछ रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा. तो इस टाइप की जो ड्रग्स हैं उनको हम कहेंगे एगोनिस्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रिसेप्टर है उसके साथ ड्रग मॉलिक्यूल कंबाइन कर गया है और सेल रेस्पॉन्स भी जनरेट हो गया, तो एगोनिस्ट हो गया. और जब सेल रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, जस्ट कंबाइन कर देगा, तो उसको जो है हमने अभी बताया था उस टाइप की कैटेगरी हो गई. तो जस्ट ये जो भी अभी हमने देखा था रिसेप्टर और ड्रग के बीच में जो इंट्रैक्शन, इसको अगेन एक पिक्चर के थ्रू क्विक रिविजन कर लेते हैं. तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में ये कह रहा है कि ये बिफोर ड्रग, ड्रग नहीं है तो फिर जो हमारे पास में रिसेप्टर साइट है और नेचुरल जो केमिकल मैसेंजर है उनके बीच में किस टाइप का इंट्रैक्शन होगा और एक नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाएगी. अब क्या हो गया है कि कोई भी एक एंटागोनिस्ट ड्रग जो है
आ गई है. एंटागोनिस्ट ड्रग का मतलब हो गया कि ये रिसेप्टर साइट पे कंबाइन कर जाएगा और कोई सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं होगा. तो ये इसका शेप कुछ ऐसा होगा कि ये रिसेप्टर साइट पे कंप्लीटली परफेक्टली फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको ब्लॉक जरूर कर देगा. तो ये जो है अब एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन हो रही है बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल एंड केमिकल मैसेंजर, और ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो विनर की तरह निकल के आया. तो इससे क्या हुआ कि एक रिएक्शन हो गई है रिसेप्टर और ड्रग मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन कोई सेलुलर एक्टिविटी जो है जनरेट नहीं हुई. तो इसका मतलब है जो सेलुलर एक्टिविटी जनरेट होने वाली थी केमिकल मैसेंजर और जो हमारे पास में रिसेप्टर साइट है उसकी इंटरेक्शन की वजह से, वो ब्लॉक हो गई, वो एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई है. नाउ तो ये एंटागोनिस्ट ड्रग की बात हो गई. अब जो हमारे पास में एगोनिस्ट ड्रग है उसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो एगोनिस्ट ड्रग है उसमें ड्रग मॉलिक्यूल का शेप कुछ ऐसा होगा कि वो रिसेप्टर साइट पे परफेक्टली फिट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली कुछ सेलुलर एक्टिविटी जो है वो भी जनरेट होगी. सो यहाँ पे दो टाइप का ड्रग हो गया हमारे पास में. ड्रग रिसेप्टर एक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एंटागोनिस्ट ड्रग एंड एगोनिस्ट ड्रग. एंटागोनिस्ट ड्रग के अंदर कोई सेलुलर एक्टिविटी डेवलप नहीं होगी और एगोनिस्ट के अंदर एनहेंस्ड सेलुलर एक्टिविटी डेवलप हो जाएगी. अब हम ये देख लेते हैं कि जो थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ जो ड्रग है, जिसमें हमने कहा था फार्मोलॉजिकल इफेक्ट्स के बेसिस पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह, तो उसको वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो ये देखिए जो मैंने बताया था कि एनाल्जेसिक जो है बेसिकली पेन रिलीवर का काम करते हैं, और इम्पॉर्टेंट एनाल्जेसिक्स जो है वो एस्प्रिन है, आइब्यूप्रोफेन है और नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स जो है इसके अंदर मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन, ये नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं. नाउ एंटीपायरेटिक बेसिकली जो है ड्रग्स विच लोअर बॉडी टेम्परेचर. एस्प्रिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीपायरेटिक ड्रग है. पैरासीटामोल भी एक इम्पॉर्टेंट एंटीपायरेटिक ड्रग है. कुछ ड्रग्स का जो है कॉमन एक्शन होता है, तो जैसे आप एस्प्रिन को नोटिस करेंगे तो एस्प्रिन को दोनों ही कैटेगरी में हम रख सकते हैं. एनाल्जेसिक कैटेगरी में भी रहेगा और ये एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में भी रहेगा. अब दोनों का जो रेस्पॉन्स है वो अलग अलग टाइप का होगा, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे इनका जो है एक्शन होगा. एंटीसेप्टिक बेसिकली ड्रग विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये सेम सब्सटेंस कैन बिहेव लाइक एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. तो फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ फिनॉल लाइक 0.2% फिनॉल जो है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, लेकिन 1% फिनॉल जो होगा वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है. सो एंटीसेप्टिक में हम देख लेते हैं, सो इट इज द ड्रग विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 0.2% फिनॉल, क्लोरीन, डेटॉल. डेटॉल इज बेसिकली अ कमर्शियल नेम. एक्चुअल इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है वो क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियॉल. बाइथायोनल एक एंटीसेप्टिक है, आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक है. बहुत सारे सब्सटेंसेज जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं. डिसइंफेक्टेंट के अंदर बेसिकली ये जो हमारे पास में 1% फिनॉल है, ये जस्ट मतलब आइडिया देने के लिए कि सेम सब्सटेंस कैन बिहेव बोथ एज ए एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. नाउ ट्रैंक्यूलाइजर्स बेसिकली ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर एटसेट्रा. सो अ लार्ज नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बार ब्यूटीरिक एसिड यूज्ड एज ए ट्रैंक्यूलाइजर. एंटीमाइक्रोबियल्स आर बेसिकली ड्रग्स विच इज यूज्ड टू क्योर इन्फेक्शंस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दिस कैन बी बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एटसेट्रा. सो सल्फोनामाइड्स आर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स. एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज टू कंट्रोल बर्थ कंट्रोल. दीज आर यूज फॉर द बर्थ कंट्रोल. नाउ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स आर इंपॉर्टेंट एंटी फर्टिलिटी ड्रग. सो दीज टू कंपाउंड्स इथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड नॉर्थिंड्रॉन आर टू इंपॉर्टेंट एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. एंटीबायोटिक्स बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब एक बैक्टीरिया से ही ऑब्टेंड होगा और दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ब्लॉक करेगा. बट कुछ एंटीबायोटिक्स को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. तो ये जो इनिशियल डेज में जो एंटीबायोटिक्स का एक्सट्रैक्शन था उसी पर इसकी डेफिनेशन है. पेनिसिलिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है. टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक है. क्लोरा एम्फेनिकॉल जो है वो एक
एंटीबायोटिक है. तो ये हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ नेम दे दिए हैं कि भाई पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, और क्लोरोएम्फिफेनिकॉल हो गया, और फिनॉल हो गया, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, एंटीसेप्टिक कौन सा है, वगैरह वगैरह. एंटा एसिड्स बेसिकली रिमूव एक्सेस एसिड इन स्टॉमक. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास में जो है एंटा एसिड्स हैं. तो अब हम इनका जस्ट थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं. सो एंटा एसिड्स बेसिकली अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज स्टॉमक एसिडिटी. एंटा एसिड्स इज मेनली यूज टू रिलीव हार्ट बर्न, इंडाइजेशन और एन अपसेट स्टॉमक. एंटीस्टामीन्स आर ड्रग्स विच ट्रीट एलर्जिक एक्शन. ट्रैंक्यूलाइजर्स is a drug which is designed for the treatment of anxiety, fear, tension, agitation and disturbance of the mind, specifically to reduce states of anxiety and tension. Analgesics, basically painkiller. So any member of a group of drugs used to relieve pain, achieve analgesia, is called as analgesics. Antimicrobials is an agent that kills microorganism or stops their growth. Antifertility drugs are chemical substances which suppress the action of hormones that promote pregnancy. So, antacids कैसे work करेंगे? Antihistamine कैसे work करते हैं? क्या important examples होते हैं? ये हम यहाँ पे जो है वो discuss कर लेते हैं. So antacids, overproduction of acid in the stomach causes irritation and pain. तो ये हमारे stomach के अंदर जो है hydrochloric acid secrete होता है, digestion में इसकी important requirement होती है. तो ये जो है overproduction अगर हो जाता है acid का, तो वो एक type की acidity है, that is causes irritation and pain. So treatment of acidity, इनिशियल डेज में जो एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट था वॉज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटाएसिड्स. द एंटाएसिड्स आर द सम एल्कलाइन सब्सटेंसेज सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बट लेकिन ये क्या है कि एक इफेक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट नहीं था. इससे क्या होगा कि ये जस्ट सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, जो कॉज है एसिडिटी का वो खत्म नहीं हो रहा है. तो देखिए, अगर आप किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी को एक मैसेज जाएगा एसिड कंज्यूम हो गया है, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, क्योंकि आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है. तो जो एक यहाँ पे कम्युनिकेशन जो मिलेगा बॉडी को वेरियस रिसेप्टर्स के थ्रू, वो ये मिलेगा कि हमें एसिड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने एल्कली डाला है, वो जो एक्स्ट्रा एसिड पड़ा था वो कंज्यूम हो गया, तो और जो जाएगा, जैसे ली शटलर प्रिंसिपल कहते हैं प्रोडक्ट हटा लिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उसी टाइप का कुछ हो गया. सो एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टोमक एल्कलाइन and trigger the production of even more acid. ये एक इसका जो है antacids use करने का side effect है. पहले कुछ relief मिलेगा, कुछ समय बाद में जो है आपको वापस से वही irritation और pain होना start कर जाएगा. Now, metal hydroxides are better alternative because of these metal hydroxides are insoluble. Means metal hydroxides are better alternative as an antacid than sodium bicarbonate. These do not increase the pH above neutrality. न्यूट्रल हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा. तो यहाँ पे वेदर वी यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड्स, तो ये बेसिकली जस्ट सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, जो कॉज है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम्स एंड नॉट द कॉज. तो अब इसका कॉज को ही अगर हम मतलब जो मेन रीजन है एक्सेस ऑफ एसिड प्रोडक्शन का, उसको हमें खत्म करना होगा. सो विद दीज मेटल सॉल्ट्स द पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड ईजीली. And in advanced stages, ulcers become life-threatening and its only treatment is removal of the affected part of the stomach. तो अब हमें ये देखना है कि actual जो है इसका treatment क्या हो सकता है. तो actual treatments इसका जो है cause क्या, हम ये देख लेते हैं. तो जो excess of acids secrete हो जाता है stomach के अंदर, उसका cause है histamine. A chemical substance called as histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. तो हमें कैसे करके जो histamine है इसका amount control करना होगा.
हिस्टामिन का अमाउंट अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारे पास में पेप्सिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा है उसके अमाउंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो मेन जो कल्प्रिट है एसिडिटी का वो है हिस्टामिन. हिस्टामिन का लेवल हमें कम करना होगा. तो जो भी हिस्टामिन की कैटालिटिक एबिलिटी है उसको जो ख़त्म कर देगा उसको हम यूज़ कर लेंगे. तो ये हमारे पास में सुंदर सा हिस्टामिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. देख सकते हो कि ये एक ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें एक ये इमाइडाजोल रिंग है. तो अब ये जैसे देखिए यहाँ पे कोई एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई बच्चे ने हिस्टामिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में स्टडी किया है. तो हिस्टामिन को अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बिल अमीन टेस्ट पॉजिटिव, कार्बिल अमीन टेस्ट आएगा. सारी अमीन्स जो है प्राइमरी अमीन कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो शो करती है. तो ये हिस्टामिन जो है हमारे पास में इसके स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है. नाउ अब ये जो है हिस्टामिन है इसके लेवल को हमें कंट्रोल करना है. सो ड्रग टैगामेट वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल. तो हमने ये स्टडी किया, मेन कॉज जो है एसिडिटी का वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हिस्टामिन है. हिस्टामिन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी एक केमिकल सब्सटेंस का हम लेंगे और उसको एज ए ड्रग यूज करेंगे तो ये हिस्टामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा. हिस्टामिन के साथ ये एक कंपाउंड जो है ड्रग के अंदर टैगामेट वो कंपीट करेगा तो ये उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा. तो हिस्टामिन विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल, सो दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड और जो एक्चुअल कॉज है एसिडिटी का उससे हमें फ्रीडम मिल जाएगी. सो टू इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर यूज एज एंटा एसिड्स, सो यूज फॉर ट्रीटमेंट, ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी आर सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन. ये जो सिमेटिडीन है एक केमिकल नेम है, टैगामेट जो है वो उसका कमर्शियल नेम है, ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, कुछ भी कह सकते हो आप. रेनिटिडीन जो है अगेन केमिकल नेम है और इसका जेंटेक एक कमर्शियल नेम है, ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है. तो हमें यहाँ पे जो है सिमेटिडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और रेनिटिडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना होगा और इसको हिस्टामिन के साथ कंपेयर करना होगा. ऑब्वियसली एक अमीन है तो वो भी अमीन ही टाइप के कुछ होंगे. यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, उसमें भी कुछ नाइट्रोजन वगैरह होंगे एक्स्ट्रा या एटलीस्ट तीन कुछ कुछ, मतलब उनमें सिमिलरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप की टर्म्स में, वो कुछ जाकर के एक्शन करेंगे. तो अब एग्जामिनर हमें इनके स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो ये हम इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं. तो पहले हम देखते हैं जो सिमेटिडीन है वो क्या है. सो सिमेटिडीन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम टैगामेट इज अ हिस्टामिन रिसेप्टर antagonist that inhibits stomach and production that inhibits stomach acid production. तो ये हमने पढ़ लिया था कि antagonist और agonist टाइप की ड्रग्स वगैरह जो है वो क्या होती है. ये जो है हमारे पास में सिमेटिडीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. तो देखिए जो रेनिटिडीन है सॉरी हिस्टामिन है उसके अंदर एक इमाइडाजोल रिंग है, फाइव मेंबर रिंग विथ टू नाइट्रोजन एटम. तो वही फाइव मेंबर रिंग विथ टू नाइट्रोजन एटम इसके अंदर आ गया है और एडिशनली कुछ कुछ और है. तो देखिए इसके अंदर जो है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बहुत सारे हो गए हैं तो इसका जो एक केमिकल एक्शन है हिस्टामिन से रिलेटेड होगा, ये और ज़्यादा रिएक्टिव टाइप का हो गया. कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम कह सकते हैं कि इतने सारे जो नाइट्रोजन हो गए उसकी वजह से कुछ कुछ इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह वगैरह चेंजेस हो गए होंगे. ये जस्ट मतलब जो हम एडिशन वगैरह लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर टैगामेट का जो ब्रांडिंग है वो इस टाइप से होती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो रेनिटिडीन है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है क्या है. सो रेनिटिडीन सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम जेंटेक अमंग अदर्स इज अ मेडिकेशन विच डिक्रीजेस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. तो अब ये नोटिस करने वाली बात है कि जो हमारे पास में सिमेटिडीन है उसके अंदर एक इमाइडाजोल रिंग है और रेनिटिडीन के अंदर एक फ्यूरेन टाइप की रिंग है, फाइव मेंबर रिंग, उसमें भी फाइव मेंबर रिंग और एक ऑक्सीजन सेंट्रल है, मतलब हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अमीन है ये इस टाइप का. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने जैसे आइडेंटिफाई किया है कि मुझे जो स्ट्रक्चरल फीचर्स लग रहा है फ्यूरेन टाइप की इसके अंदर रिंग है ना. तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फ्यूरेन, इमाइडाजोल रिंग, तो वो आपको बता सकता है ये फ्यूरेन होता है, ये माइडोजोल होता है, तो दैट्स टाइप से रिलेटेड है. बाकी इसके अंदर जैसे हमें ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एंटासिड्स,
तो ये जो हमारे पास में रेनिटिडीन है वो सल्फर कंटेनिंग एंटा एसिड है, बट ये जो सिमेटिडीन है वो भी सल्फर कंटेनिंग एंटा एसिड्स है. तो ये पूछा जा सकता है. अब इसको जो है ये इससे भी रिलेट किया जा सकता है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलिमेंटल एक्सट्रैक्शन ये डिटेक्शन के लिए, सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो लेसानेज एक्सट्रैक्ट के अंदर सिमेटिडीन और रेनिटिडीन को अगर हम यूज़ करेंगे तो वी विल गेट अ ब्लड रेड कलरेशन ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर. तो ये जो भी थ्योरीज है वो आप रिवाइज करिए. तो यहाँ पे एक तो ये एरोमेटिक, इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लेसानेज एक्सट्रैक्ट के अंदर जब हम केमिकल टेस्ट करेंगे सल्फर के लिए तो ब्लड रेड कलरेशन जो है अपीयर होगा. तो ये यहाँ पे फ्यूरेन टाइप का रिंग हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी सल्फर है. सो ये एक जेनटेक इसका ट्रेड नेम हो गया. और ये जो है लिखा है प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स हार्ट बर्न एटसेट्रा. तो ये इस टाइप से हमने जो है वो कुछ एंटा एसिड्स का डिस्कशन कर लिया. तो इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन के अंदर जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.